शहर में अलग अलग स्थानों पर घटी चोरी की वारदातों में चोरों ने सोने घर को निशाना बनाते हुए करीब 2,40,000 रुपयों का माल उठा लिया है। यह वारदातें शांति नगर और कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटित हुई है। जानकारी के अनुसार शांति नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत शांति नगर कॉलोनी क्वार्टर नंबर I-79 निवासी पुष्पलता ईश्वर पोरकर अपने घर को ताला लगाकर बाहर गाँव गयी थी। इस दौरान कुछ अज्ञात चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जिसके बाद अलमारी में रखे सोने के आभूषण और नकदी मिलाकर कुल 1,13,000 रुपए का माल चुरा लिया। जब वह गांव से वापस लौटी तो घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी के मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 454, 457, 380, 92 के तहत मामला दर्ज किया है। इसी तरह दूसरी घटना कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटित हुई है। जानकारी के अनुसार कपिल नगर परिसर के NRT गार्डन के समीप टेका नाका कपिल नगर निवासी फरियादी धमेंद्र आनंद राव देवगढ़े अपने घर को ताला लगाकर अपनी बहन के घर ताजुद्दीन बाबा के जन्मदिन कार्यक्रम के लिए पार्टी गए थे। सुने घर का लाभ उठाते हुए चोरों ने उनके घर में लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर रखे लोहे की अलमारी में रखे सोने के आभूषण व नकदी 1,11,000 रुपए मिलाकर कुल 1,28,000 रुपए का माल चुरा लिया। इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। शहर में इन दिनों चोरियों की घटनाओं में काफी इजाफा हो रहा है। शहर के अधिकांश पुलिस स्टेशन अंतर्गत चोरियों की घटनाओं में वृद्धि पिछले कुछ दिनों से हुई है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में चोरी और आपराधिक घटनाओं पर पाबंदी लगाने के लिए कई प्रयास किए जाने का दावा हमेशा की तरह किया जा रहा है, किंतु चोरियां व अन्य आपराधिक घटनाओं में कोई कमी आने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।